गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि कल हमने आपको वीडियो दी थी 30 मिनट्स कंप्लीट बेली फैट वर्कआउट, तो आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं 30 मिनट्स फुल बॉडी फैट लॉस। ऐसी ऐसी आसान सी एक्सरसाइजेज जिसको आप घर में रह के ही अच्छे तरीके से करके, बहुत आसान तरीके से करके आप अपना कर सकते हैं फुल बॉडी फैट लॉस और पा सकते हैं मनचाहा और आकर्षक शरीर। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं 30 मिनट्स फुल बॉडी फैट लॉस। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है रनिंग एट ए प्लेस, यानी एक ही जगह पर खड़े होकर हम रनिंग करेंगे। चलो शुरू कीजिए। ये देखिए, इस तरह आपने एक ही जगह पर खड़े होकर करनी है रनिंग। और इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे ही मैडम एक्सरसाइज कर रही है, इससे आपके पेट पे, आपकी थाइस पे, टांगों पे, बाजू में, पूरे बॉडी पे जोर पड़ता है। इसको कार्डियो भी बोलते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ना सिर्फ आपका फैट लॉस करेगी बल्कि आपकी कार्डिक हेल्थ को, यानी आपके हृदय को स्वस्थ रखेगी, मजबूत रखेगी, किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं होने देगी। जैसा कि आज आपको पता है, आजकल यंग जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का शिकार हो रही है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक्सरसाइज आपके सामने है ये ना सिर्फ आपका फैट लॉस करेगी बल्कि आपकी कार्डियक हेल्थ को मजबूत, यानी मजबूती प्रदान करेगी, आपके हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देगी। तो बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, बहुत सारे लाभ हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपने करना है। देखिए, आसानी से आप कहीं भी, जहाँ भी आप अपने घर में खड़े हैं वहीं पर खड़े होकर इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए और जितना आपके अंदर स्टेमिना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड कर कीजिए उसको रोक। फिर जब हो जाए रुक जाइए, 30 सेकेंड का रेस्ट लेके फिर हम दोबारा करेंगे और नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम कार्डियो करते हैं तो हम थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि इसमें होगा शरीर की ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो धीरे धीरे करेंगे जितना हमारे अंदर स्टेमिना। ऐसा नहीं है कि आपने तेज़ तेज़ दौड़ना है, तो धीरे धीरे करेंगे। 30 सेकेंड का रेस्ट लेके फिर दोबारा करेंगे हम स्टार्ट। तो ये देखिए, ये दोबारा शुरू हो गए। तो ऐसे ही आपने हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं, जैसा कि कल हमने आपको बताया था। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। धीरे धीरे देखिए, जैसे मैडम कर रही है धीरे धीरे करना है, कुछ ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बनता जाएगा धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बनती जाएगी। तो जितना आपसे हो उतना ही करना है। ये जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। तो अब ये 2 सेट हो चुके हैं, फिर से 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। नाक से सांस लीजिए लंबी और मुंह से छोड़िए। नाक से सांस लीजिए, ये जो नाक से सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ना वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको बहुत एक फेफड़ों की भी एक्सरसाइज बोलते हैं। फिर से दोबारा 30 सेकंड का रेस्ट, जितना रेस्ट हम ले सकते हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। ज़्यादा रेस्ट लेंगे तो बॉडी फिर, अभी बॉडी एकदम से वार्म हो चुकी है, तो ज़्यादा रेस्ट लेंगे बॉडी फिर रेस्टिंग में चली जाएगी। और ये तीसरा सेट बिल्कुल देखिए ऐसे। तो ये फुल बॉडी फैट लॉस 30 मिनट्स, अगर ये एक्सरसाइजें आपने अपने घर में कर ली, जैसा कल हमने आधे घंटे आपको बेली फैट का दिया था वीडियो, आज हम फुल बॉडी फैट लॉस का दे रहे हैं। अगर आपने ये हर रोज़ आधा घंटा, कभी बेली फैट वाली, कभी ये कर ली, तो आप देखना 10 से 15-20 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन इनके साथ साथ मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो एक तरफ तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुबह सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा हैवी परौंठे, आलू के परौंठे, इस तरह का आप सामान खा रहे हैं, फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है, अपनी डाइट में प्रोटीन हम जो ऐड करेंगे, फैट कंटेंट कम होना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, तो हम सारी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं कि सुबह की कौन से ऐसे प्रोटीन रिच फूड हैं। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आजकल यूट्यूब पे मिल जाती है कि इजी है, इजी होममेड प्रोटीन रेसिपीज़ जो रेडी टू यूज़ हों, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कुछ मूंग की दाल होती है, साबुत जो मूंग की, हरे मूंग की दाल होती है, उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह वो दाल नरम हो जाएगी। उसके अंदर फिर थोड़े से प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको थोड़ा टेस्टी बना के एक स्प्राउट्स की फॉर्म में खा सकते हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है ब्रेकफास्ट का। उसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटीन मिलेगा और पेट भी भर जाएगा और खाने में भी स्वाद होगा। अब जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम जंपिंग जैक्स। पहली एक्सरसाइज बताई रनिंग एट अ प्लेस, दूसरी एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स। ये एक एक एक्सरसाइज आपके फुल बॉडी फैट लॉस को
ख़त्म करने का काम करेगी। चलिए जी स्टार्ट। यस ये भी जितना आपसे हो उतना ही करना है, ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, जितना आपसे हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में आप करेंगे तो थोड़ा होगा, धीरे धीरे स्टैमिना बनता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन में जितनी एक्सरसाइज आप हो आपसे हो उतनी कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। और जैसे ही आप, अगर आप बिगिनर्स हैं, जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो 2-4 दिन 5-6 दिन आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द हो सकता है, बाजू में, टांगों में, क्योंकि जब भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करते हैं तो 2-4-5 दिन वो एक मस्कुलर पेन होती है, वो कोई इंटरनल पेन नहीं होती, वो एक्सटर्नल पेन होती है मस्कुलर, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते चले जाएंगे। तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, सिर्फ 2-4-5-7 दिन दिक्कत आती है, बाद में धीरे धीरे फिर शरीर को आदत पड़ जाती है। तो ये थे जंपिंग जैक्स। इसमें भी जैसे आपने देखा बाजुओं, इसमें भी पूरी फुल बॉडी फैट लॉस हो रहा है। तो जो जो एक्सरसाइज आज हम आपको बता रहे हैं उसमें फुल बॉडी फैट लॉस होगा। अब 30 सेकंड का रेस्ट लेके पूरा आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, जो सांस अंदर इकट्ठा होगा उसको बाहर निकालिए, क्योंकि जब हम कार्डियो करते हैं इस तरह के, हम रनिंग जंपिंग करते हैं, तो एकदम से हम थोड़ा जल्दी हमारा जो है सांस फूल जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
तो आपका जितना स्टैमिना आप कीजिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इजी। और अब इसका लास्ट सेट करेंगे पूरा ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद। तो आधे घंटे का वर्कआउट होता है, 30-30 सेकंड का रेस्ट लेके हम आधे घंटे में अपना फुल बॉडी वर्कआउट ख़त्म कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमने एक सेट किया फिर हम फ़ोन देखने लग गए, 1-2 मिनट 5 मिनट फ़ोन ही देखते रहे, उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और फ़र्क कम पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर हम 30 सेकंड का रेस्ट ले लेके ऐसे कर रहे हैं 30 सेकंड का या 40 सेकंड का, तो वर्कआउट हमारा आधे घंटे में फुल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। अगर आपके पास समय कम है तो उस कंडीशन में भी इस तरह का शेड्यूल आप बना सकते हैं कि सुबह या शाम में आधा घंटा, एक दिन मैं बेली फैट का कर लूँ, एक दिन मैं फुल बॉडी फैट लॉस कर लूँ, तो जो भी मुझे ईजी लगे। और अब फिर यस, इसमें भी देखिए जैसे बाजुएं ऊपर जा रही हैं, इसमें आपके जो अंडर आर्म्स का फैट है, बाजुओं का फैट है, नीचे टांगों का फैट है, पूरा पूरा शरीर इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए इस वीडियो का जो टाइटल दिया गया है, फुल बॉडी फैट लॉस, इट इज़ नॉट ओनली बेली फैट लॉस, इट इज़ फुल बॉडी फैट लॉस प्रोग्राम। और 30 मिनट का हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसमें से तकरीबन 9 मिनट पूरे होने वाले हैं, महज 20 या 21 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, दो एक्सरसाइजें हमने आपको बता दी हैं, और इसी तरह बिल्कुल तो अभी दो एक्सरसाइज हमने आपको बताई, एक तो रनिंग एट अ प्लेस, एक जंपिंग जैक्स। अब एक और एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं जिसको हिंदी में कहते हैं दंड बैठक। तो कैसे करेंगे ये, सबसे ये जो एक्सरसाइज अभी मैडम करने जा रही है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, अगर ये एक्सरसाइज आपने सिंगल यही वाली एक्सरसाइज कर ली, तो आप देखेंगे आपका बैली फैट, बैक फैट, तो ये देख इस तरह से दंड बैठक, जैसे कि आप देखते होंगे पहले पुराने ज़माने में या आज के टाइम में भी पहलवान इस तरह दंड बैठक लगाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का फैट लॉस, क्योंकि जैसे हम बैठ के ऊपर उठ रहे हैं तो पूरी बॉडी का वेट ऊपर लेके उठ रहे हैं, हमारी थाइस पे असर पड़ रहा है, टांगों पे असर पड़ रहा है, हमारे शोल्डर्स पे असर पड़ रहा है, हमारी बैक पे असर पड़ रहा है, हमारे बटोक्स पे असर पड़ रहा है, तो एक एक पार्ट पे यहाँ पर इस एक्सरसाइज से असर पड़ रहा है।
तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जितनी बार आपसे हो, एक बार में आप 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार कर सकें, फिर वही 30 सेकंड का रेस्ट लेके फिर दोबारा इसे करेंगे। और एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी डाइट बहुत लेना ज़रूरी है। अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी डाइट लेंगे तो एनर्जी लेवल हमारी बॉडी का सही रहेगा, तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर हम अच्छी डाइट ही नहीं ले रहे, अगर हम बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, या ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन कम है, विटामिन्स कम है, यानी जिसके अंदर ताकत तो कम है बस वैसे ही स्वाद ज़्यादा है पेट भरने के लिए, तो फिर हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। शरीर इंटरनल से, यानी हमारी अंदर की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज के साथ साथ हमने अपनी डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि जो हम अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो सारा का सारा अच्छा हो, स्वच्छ हो, मल्टी विटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। तो ये कर लिए एक बार में, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये। देखिए मैडम को बिल्कुल पसीने आ चुके हैं, ठीक है, और बिल्कुल 30 मिनट, देखिए आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं, ये आपको करके इसलिए दिखाया जा रहा है भी आप भी कीजिए। अगर हम 5 या 8 मिनट की वीडियो बना के आपको दे दें तो हो सकता है आप विश्वास ना करें भी इन्होंने तो 5 मिनट किए, 30 मिनट खुद भी करते होंगे या नहीं। इसलिए आपको 30 मिनट करके दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपने करना है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें, वीडियो भी हमारी आप साथ में प्ले कर सकते हैं, ये कई बार भूल जाते हैं पहले कौन सी एक्सरसाइज दूसरी। तो 30-40 सेकेंड का रेस्ट ले लीजिए, जितना रेस्ट आपको चाहिए उतना रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम दोबारा शुरू करेंगे इसको। देखिए बिल्कुल जैसे हम नीचे से ऊपर उठते हैं, बिल्कुल पेट पे हमारे ज़बरदस्त जोर पड़ता है। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये, इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती। देखिए बहुत ही बढ़िया। तो जितना आप कर सकें, तो जब ऊपर आएं तो सांस छोड़ें, ऊपर आके सारा सांस छोड़ें बाहर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नीचे जाएं ब्रीद इन करें, ऊपर आएं ब्रीद आउट करें। इससे आपकी बॉडी प्रॉपर पूरे शेप में आएगी, बॉडी टाइट होगी, बॉडी टोंड होगी, आपके बैक का फैट, बटक्स का फैट, बटक्स प्रॉपर शेप में आएंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज। गुड। और यहाँ पे हमारे जो 30 मिनट्स का हमारा ये प्रोग्राम है फुल बॉडी फैट लॉस, उसमें से 13 मिनट बीत चुके हैं, मात्र 17 मिनट बचे हैं, और ऐसे ही फिर रेस्ट लेंगे। रेस्ट के दौरान ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, जिससे कि जल्दी से हम हमारा जो एकदम से हमें हैवीनेस लग रही है एकदम से हल्के हो जाएं। अब फिर से तीसरा सेट, बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया, बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। और यहाँ पे रेस्ट लेंगे अभी 30-40 सेकंड का आराम से रेस्ट लेके,
तो ये तीन एक्सरसाइज होगी। सबसे पहले एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी रनिंग एट अ प्लेस, यानी जिसमें एक ही जगह पे खड़े होकर रन करना है। दूसरी एक्सरसाइज बताई जंपिंग जैक्स, और तीसरी एक्सरसाइज बताई, इसका नाम रख लीजिए आप दंड बैठक, जो सभी एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने एक यही एक्सरसाइज कर ली हर रोज़, तो आप देखेंगे आपका जो बैली फैट, थाइस फैट, पूरा मोटापा जो है ख़त्म हो जाएगा, जैसे मैडम ने अपना किया हुआ है। ठीक है जी, अब इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे जो फुल बॉडी फैट लॉस में हमारी हेल्प करेगी, अभी आपको बताएंगे। तो अब तीन एक्सरसाइज में बताई, चौथी फिर आराम से देखिए, बिल्कुल आप दीवार के साथ ऐसे खड़े होके इस तरह, ये देखिए इस तरह, पहले रनिंग एट अ प्लेस की थी, अब हमने थोड़ा सा दीवार पे इस तरह हाथ रख के, दीवारें हर घर में होती हैं छत पे, इस तरह हाथ रख के यानी दीवार की सपोर्ट लेके हमने इस तरह करने हैं ये दो तीन सेट, ऐसे मैडम कर रही है। तो रेस्ट लेंगे 30 सेकंड का, तो इजी इजी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं जिससे फुल बॉडी फैट लॉस होगा। पूरा स्वेट आउट हो रहा है, देखें पसीना पूरा निकल रहा है मैडम का। रेस्ट लेंगे, रेस्टिंग के दौरान क्या करना है हमने, ज़्यादा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, जिससे के अंदर जो रुका हुआ सांस है जो इकट्ठा हो गया एकदम बाहर निकल जाए। फिर से दोबारा दीवार का सहारा लेके इस तरह से हमने रनिंग करनी है। जितना हो सके फिर उसके बाद फिर वही रेस्ट, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेंगे, और सिर्फ आधा घंटा, यानी आप दिन में अगर आधा घंटा निकाल लें अपने शरीर के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से, तो उससे आपका फैट लॉस भी हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी भी बन जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर शरीर अच्छा होगा तो दिमाग भी अच्छा सोचेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी। तो सोचिए आधा घंटा अगर हम अपने शरीर को दे दें तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो क्यों ना फिर इस शुभ काम में देरी क्यों, क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए, क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए, करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। और ये तीसरा सेट था, इसके बाद दूसरा करेंगे। और ये हो गए 3 सेट, यानी ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, सबसे पहले रनिंग एट अ प्लेस, फिर जंपिंग जैक्स, फिर दंड बैठक, और ये चौथी है। अब पांचवी एक्सरसाइज फिर हम ऐसे ही करेंगे, पांचवी एक्सरसाइज भी ऐसी दीवार की सपोर्ट लेके होगी, हमें आपको भी बताएंगे रेस्ट लेने के बाद। तो अभी जैसे कि हमने वो एक्सरसाइज की थी, अभी दोबारा एक्सरसाइज वही हमने दीवार पे सहारा लेके करनी है। पांचवी एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे, वही दीवार का सहारा लेके। पहले जंपिंग कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट राइट अपनी टांगों को इस तरह खोलना है बस, ये देखिए। इसके भी 3 सेट करेंगे, बहुत बढ़िया।
रेस्ट लेंगे अभी 30-40 सेकंड का रेस्ट लीजिए, आराम से ब्रीदम ब्रीदम कीजिए, पसीने आ रहे हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है जब भी हम वर्कआउट करें तो स्वेट आउट होना चाहिए। अगर हमने ऐसा वर्कआउट किया है क्योंकि हमारा कोई स्वेट आउट नहीं हुआ, यानी पसीना निकला ही नहीं शरीर से, तो इसका मतलब वो जो वर्कआउट हुआ है वो बहुत ही हल्का वर्कआउट हुआ है, फिर उसका हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। क्योंकि एक बार शरीर से पसीना सारा निकल जाए, इस पसीने के जरिए क्या होता है हमारे शरीर के अंदर कोई भी, मतलब कोई भी, जैसे कहते हैं ना कोई भी बीमारियाँ हैं या कुछ भी है, तो इस पसीने के जरिए, जो एक्सरसाइज के जरिए हमें पसीना आता है, उस पसीने के जरिए कई सारी बीमारियाँ हमारी स्वेट आउट कर जाती हैं, यानी बाहर निकल जाती हैं। इसलिए पसीना आना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, तो हमें लगना चाहिए कि हमने आज वर्कआउट किया है। ऐसा नहीं कि वर्कआउट करने के बाद हमें फील ही नहीं हो रहा कि हमने कुछ किया है या नहीं किया। तो अगर इस तरह का वर्कआउट है कि हमें करने के बाद कोई फील ही नहीं हुआ, ना कोई पसीना निकला, फिर वो वर्कआउट आपका फेल वर्कआउट है। तो कम से कम वर्कआउट ऐसा हो कि शरीर को कम से कम पता तो लगे कि आज वर्कआउट किया है, थोड़ा बहुत पसीना मुंह से, बाजुओं से, शरीर से निकले तो पता चले। तो इसी तरीके का हमने वर्कआउट करना है कि हमें पता लगे, हमने सीरियस होकर वर्कआउट करना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करना है, उसके हमने मतलब एफर्ट्स, अपने पूरे एफर्ट्स लगा देने हैं। जो अभी फिर से दोबारा, तो 30 मिनट का जो हमारा ये प्रोग्राम था फुल बॉडी फैट लॉस, उसमें तकरीबन 22 मिनट होने वाले हैं। तो आप देखिए आधे घंटे में पूरा बॉडी का वर्कआउट भी हमारा हो रहा है, पसीना भी निकल गया, और क्या चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी उसको शेयर ज़रूर करना। तो फिर यहाँ पर मैडम रुक गए हैं रेस्ट के लिए, और यहाँ पर 22 मिनट पूरे होने वाले हैं। इसी तरीके से आपने करते रहना है, तो बिल्कुल इसीलिए आपको करके दिखाया जा रहा है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे और तीसरा सेट के लिए तैयार मैडम। तो ये पांचवी एक्सरसाइज थी हमारी। तो पांच एक्सरसाइज हम आपको बता चुके हैं, पांच एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाएंगे, यानी 15 सेट हमारे, ये 15वां सेट है। इसके बाद एक दो एक्सरसाइजें और होंगी। इसी तरीके से देखिए आधे घंटे में किस तरह हम अपने शरीर को बदल सकते हैं। पर पांच एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई, 5 एक्सरसाइजों के 3-3 सेट, बहुत ही बढ़िया। अब हम आपको थोड़ा सा रेस्ट के बाद फिर कोई 6ठी एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। तो अब हम आपको लास्ट एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। 5 एक्सरसाइज बता दी, 6 एक्सरसाइज बहुत हैं, यानी 6 एक्सरसाइज के 3-3 सेट यानी 18 सेट बहुत हैं। चलो शुरू हो जाइए। ये जो एक्सरसाइज है आपके बैली फैट पे, फुल बॉडी फैट पे, पूरे बैक के फैट पे, साइड के फैट पे काम करेगी। चलिए जी स्टार्ट कीजिए। देख लीजिए इस तरह दीवार के सारे खड़े होके पहले नीचे हाथ लगाएंगे, फिर ऐसे मुड़ के देखिए। बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है ये भी। बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही फिर रेस्ट लेके आप इसको 2-3 बार करेंगे, रेस्ट ले लेके
तो आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, 25 मिनट हो चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को रेस्ट लेके फिर दोबारा, तो ये हमारा 30 मिनट्स का फुल बॉडी फैट लॉस प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो आप कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।